ऐसे लोग कहते हैं कि इमरान खान ने सौदा किया कश्मीर का। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने लीडर के ऊपर इतना भी आपको कह सकता हूँ जो खान न बिकने वाले न बिक जाएगा और न खान का सिपाही बिकने वाले। अब क्या समझते हैं वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर का मसला आलमी सतह पर सही तरीके से उठाया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इमरान खान तो आपको पता है जो इसी कौम का लीडर है, इमरान खान के अलावा कोई लीडर नहीं है। इमरान खान ने तो पूरे दुनिया में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर लिया जो कश्मीर जो है ना पाकिस्तान कैसे है। कश्मीर के ऊपर जो मोदी सरकार जो जालिमाना हरकतें करते है हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर, जो ये हमारे को बर्दाश्त से बाहर हो गया। और इंशाल्लाह रहमान खान जो है ना कश्मीर को आजाद करेगा। खान आजाद करेगा। खान के अलावा जो ना आपने माजी में देखा था जो कश्मीर के ऊपर इन लोगों ने सियासत की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये दिल के सियासी, हम लोग दिमाग के सियासी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खान जो है ना एक सच्चा लीडर है और खान जो हमारा जो ना एक दफा जो आवाज दे देगा तो इंशाल्लाह रहमान हम लोग खान के साथ होंगे, पाक फौज के साथ होंगे। और जैसा जो ना हमारा जुनून का नारा होगा जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हम लोग इंशाल्लाह रहमान। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान ही कश्मीर को आजाद? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह से कह सकता हूँ सर, जो मतलब 37 साल से मैं खुद करप्शन का नारा लगा रहा हूँ और खान जब क्रिकेट खेल रहा था तो यही आवाज चल रहा था जो कश्मीर को भी इंशाल्लाह रहमान इमरान खान आजाद करेगा और पाकिस्तान को भी नया पाकिस्तान बनाएगा। इंशाल्लाह रहमान नया पाकिस्तान बनाए हुए, लेकिन मतलब अपोजिशन पार्टी अभी तक ये बोल रहे जो महंगाई है, महंगाई कहाँ से है? 70 साल सा जो मतलब एक मतलब जो ना एक प्लेट को तुम तोड़ो इकट्ठा बन सकते है, तो मतलब 3.5 साल का जो हमारे से हिसाब मांगते है तो 70 साल का तो हिसाब दे देना। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडर का जो जायदाद है वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। और ये भी है जो खान अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बोलते ना बनेगा, जब खान नहीं होगा ना तो ये शौकत खान के पास जाएगा, ये मतलब हमारे कौम के ऊपर जाएगा। तो मैं खान के अलावा जो ना किसी को भी नहीं देखता हूँ जो वो कश्मीर को आजाद करेगा। इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला जैसा नया पाकिस्तान बनाया, जिन चोरों से डाकुओं से जो ना निजात फरमाया और खान को वज़ीरे आज़म बनाया, तो इंशाल्लाह रहमान ऐसा कश्मीर भी आजाद करेंगे। और खान के अलावा आपकी उम्मीद है खान से? इंशाल्लाह खान के अलावा जो ना हमारा क्या पूरे कौम का जो है उम्मीद यही है जो खान के अलावा जो है कश्मीर कोई भी आजाद नहीं कर सकते। और कश्मीर के ऊपर इन लोगों ने जो ना कश्मीर के ऊपर इन लोगों ने सियासत की है और ये लोग मोदी का दोस्त है। मैं यही नारा लगाऊं, कौन लोग है? नवाज शरीफ मोदी का दोस्त? बिल्कुल दोस्त था, नवाज शरीफ मोदी का दोस्त था, दोस्त है, उनके साथ कारोबारी रूटीन है। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान ने सौदा किया कश्मीर का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर के ऊपर इतना भी आपको कह सकता हूँ जो खान न बिकने वाले न बिक जाएगा और न खान का सिपाही बिकने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान के साथ शुरू दिन से हूँ और खान के ऊपर मेरा इतना फख्र है जैसे जो ना मैं किसी हुक्मरान के ऊपर नहीं था। क्यों? हमारे मुल्क का जो ना बर्बादी किए किसने किए? ये जो माजी में लोग ये हुए जैसे सुभाष शरीफ है, नवाज शरीफ है, जरदारी है। आपका क्या ख्याल है जो बिलावल इस मुल्क को चलाएगा? सुभाष शरीफ चलाएगा? नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, कभी नहीं चला सकते सर। देखो ये टैक्स देखो, खान ने जितना अपने हुकूमत में दो दफा तरक्याती फंड दिए हुए, टैक्स का पैसा ये आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए। खान का जो सोच है ये माजी में किसी लीडर कभी नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह खान का जो सियासत है, खान का जो आवाज है वो सिर्फ यूथ की तरफ है। जो यूथ को जो है मतलब ताकत दो, युद्ध ताकत में होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ताकत में रहेगा। कश्मीर तो भैया, कश्मीर तो हमारे भाई है। कश्मीर तो जब से मैंने होश पकड़े हुए तो कश्मीर का मैं कभी कंप्रोमाइज मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारा खान कैसा करेगा? खान तो जिधर भी जाते हैं अभी भी चेहरा किए हुए है, इंशाल्लाह हमारा वहां भी जो है कश्मीर का नारा होगा। मैं खुद कराची का हूँ, मैं कराची का हूँ नईम खटक। आज आप देखो कराची में कश्मीर का जो ना कितना आवाज होते है, अल्हम्दुलिल्लाह चर्चा है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हम लोग जो है कश्मीर के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं तो कश्मीर के ऊपर जो है मैं तो मतलब खान का सिपाही हूँ, मैं तो कश्मीर के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और कश्मीर के साथ हूँगा। कश्मीर के ऊपर जो जुल्म करे है मोदी एक जो है ना गाय का पेशाब पीने वाला है। ये मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करे ये काबुल बर्दाश्त है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और मैं इसी नारे पे खत्म करूंगा कि इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान कश्मीर यूथ जिंदाबाद। वो बहादुर लोग जो मोदी की जैसा जालिम और 10 लाख फौज जो हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करे ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही बोलेंगे इमरान खान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।